हारूनाबाद से ताल्लुक रखने वाले मास रेसलिंग के नेशनल चैंपियन और इंटरनेशनल खिलाड़ी मोहम्मद आलिम ने उज्बेकिस्तान में मास रेसलिंग वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 70 पॉइंट्स के साथ चौथी पोजीशन के जरिए अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया और अगला मरहला फिनलैंड में मुनक्किद होगा। मोहम्मद आलम ने हारूनाबाद में चौधरी उबैदुर्रहमान के हमरा सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मास रेसलिंग वर्ल्ड कप में शिरकत और अगले मरहले में दाखिल होने का एहसास वतन अजीज पाकिस्तान और हमारे इलाके हारूनाबाद के लिए एक काबिल फख्र कारनामा है और इस मुकाबले में शिरकत के लिए वाइटल ग्रुप ने स्पॉन्सर किया जिसकी वजह से मुझे इस मुकाम पर फायज होने का मौका मिला। चौधरी उबैदुर्रहमान ने भी इस सिलसिले में बहुत उम्दा किरदार अदा किया। रेसलिंग एसोसिएशन के सदर फुरकान खान भी इस खेल को फरोग देने के लिए हमा वक्त काविशें जारी रखे हुए हैं। हुकूमत पाकिस्तान इस खेल को नौजवान नस्ल में मकबूल बनाने के लिए मौके फराहम करे तो यकीनन ये खेल बहुत जल्द नौजवानों के दिलों को फतह करेगा। ब्राजील में अगले मरहले के लिए भरपूर तैयारी कर रहा हूँ और इस मरहले में इंशाल्लाह मेडल हासिल करने की भरपूर कोशिश करूँगा। मुजफ्फर शहर ग्रेट न्यूज हारूनाबाद। और नेक्स्ट जो ब्राजील में सितंबर में वर्ल्ड कप हो रहा है उसके लिए मैंने क्वालिफाई किया है और इसमें मैं अपने इलाके के जो हमारे वाइटल ग्रुप ऑफ कंपनीज है इन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है। चौधरी बैदुर्रहमान साहब इन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है, इनका बेहद मशहूर हूँ और मीडिया पर्सन का भी बेहद मशहूर हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और इसमें हमारे जो प्रेजिडेंट है मास रेसलिंग नवाब फुरकान साहब वो स्पोर्ट्स कल्चर को बड़ा फ़रोग दे रहे हैं और इसमें टीम के हेड कोच हैं राशिद साहब सर जुनेद साहब, इनकी बड़ी काविशें मेरे साथ रही हैं और इंशाल्लाह मैं अगर मुझे बैटल ग्रुप ऑफ कंपनीज और भी सपोर्ट करे तो मैं अपने इलाके का नाम रोशन कर सकता हूँ। जो ब्राज़ील में इवेंट हो रहा है उसमें इंशाल्लाह मैं मेडल के लिए इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ और मेरी ट्रेनिंग भी जारी है कंटिन्यू है और इंशाल्लाह मैं अपना बेस्ट दूंगा। और बिल्कुल ज़माना तालिब इल्मी से अभी इनकी एज भी कुछ नहीं है, बचपन से इसमें टैलेंट था और फर्स्ट ऑफ ऑल जो अंडर 19 रग्बी की टीम थी पाकिस्तान की उसकी नुमाइंदगी ये कर चुका है और रीजनल लेवल पे कबड्डी का बेहतरीन खिलाड़ी है।